जब वो वहाँ पर गया तो अपने अंकल की ये हालत देखकर वो थोड़ा सहम सा गया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सालों से नहीं सोए हैं। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और बस अंकल के पास वाले बल्ब से ही रोशनी आ रही थी। एडम को वहाँ पर थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा था। एडम वहाँ पर बैठ के अपने अंकल से बात ही कर रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किचन में कोई खाना बना रहा है। ये सब सुन के उसे अपनी आंटी की याद आने लगी, क्योंकि वो ऐसे ही उसके लिए खाना बनाया करती थी। उसने अपने अंकल सकुरा से पूछा, अरे अंकल यहाँ पर कोई और भी है क्या? तो अंकल ने कहा, नहीं बेटा कोई नहीं है यहाँ। पर कुछ देर बाद जो एक बल्ब जल रहा था वो भी फ्लिकर करने लगा। अंकल सकुरा जैसे ये सब चेक करने के लिए गए, उसके थोड़ी देर के बाद किसी ने एडम का नाम पुकारा।